तो उनकी उनकी तरफ से हमारा डिनर जो पार्टी थी वो उनकी तरफ से थी। ये रहता है, टिकता है भी या नहीं टिकता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, सुबह के बच्चों के नौ, मेरा काम सुबह ही निपट गया था, पर मैं ना क्या करूँ, जिस दिन मेरा काम निपट जाता है उस दिन मैं अपने आप को ज़्यादा बिजी कर लेती हूँ। तो हुआ ये कि आज मैं लगा रही थी प्लांट, वो प्लांट जो कि मेरे यहाँ कभी नहीं लगता, मैं कितनी जगह से ले आई हूँ कितनी जगह से नहीं लगता है, और आज फाइनली मैंने लगा दिया है। वो सूखे या कुछ हो पता नहीं, फिलहाल अभी लगा रखा है, दिखाती हूँ मैं कौन सा प्लांट है। हाँ तो गाइस देखिए, ये है वो प्लांट, मतलब कि करी पत्ता, ठीक है। तो आज लगा तो दिया है, अब ये पता नहीं सूखता है कि रहता है, कुछ भरोसा नहीं है। मुझे करी पत्ते का टेस्ट और करी पत्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं हर चीज़ में करी पत्ता डालती हूँ, पर मैं कब कितनी जगह से लेकर भी आती हूँ करी पत्ता लगाने के लिए, पर लगता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ बगल में प्लॉट है जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, तो वहाँ पे मकान बन रहा है, मतलब आज उनका भूमि पूजन है, तो वहाँ से ना उन्होंने उखाड़ा, तो मैं ले आई, मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि उखाड़ा तो उन्होंने, जड़ निकल गई पूरी, मैंने कहा ये तो ठीक है क्योंकि जड़ नहीं निकलती है ना इसकी, फिर इसलिए मैंने इसमें लगा दिया है गमले में अपने। अब देखते हैं कि ये रहता है, टिकता है मेरे या नहीं टिकता है, नहीं तो फिर मैं इधर उधर से लेकर आती हूँ ना, मैंने कहा घर पे हो जाएगा तो चार पत्ते चलो ताज़े ताज़े डाल दिए ना इसलिए। सो गाइस अभी नहाया नहीं है, नहाने जाती हूँ, ठीक है। तो गाइस बाहर कपड़े डालो, बाहर से कपड़े उठाओ, बस पूरा दिन का हमारा यही काम रहिए। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, 11:30 हो रहे हैं, अभी जा रही हूँ नीतू दी के साथ देव मंदिर तक, पता नहीं किस काम ले जा रही है, जो भी काम ले जा रही है मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरे को लाना है आटा। गाइस आटा नहीं है, ठीक है, गेहूँ धुल नहीं सकते, बारिश हो रही है और आटा खत्म हो गया है, तो मैं सोचू चक्की में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दुकान से लाना पड़ेगा पैकेट वाला, ठीक है। तो गाइस नीतू दी और मैं आ चुके हैं अरसे की शॉप पे, और यहाँ पे ना हमने अरसे का ऑर्डर देना है जो कि नीतू दी की मौसी को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अरसे टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा हो रहा है करके, और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर देंगे, तो अरसे को टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये है वो अरसे की दुकान जो कि है बालासोर वाली रोड पे, और ये अरसे हमने टेस्ट की, बहुत ज्यादा गजब अरसे है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मैंने इतने टेस्टी कभी नहीं खाए। तो गाइस यहाँ से लिया अभी हमने अरसे, ठीक है, जो टेस्ट की हमने बहुत ज्यादा टेस्टी अरसे, और अब जाना है आटा लेने के लिए, ठीक है। इस आटा भी आ गया, एंड आज देखिए जरा मैंने 2-2.5 महीने बाद टमाटर लिए, ठीक है। अब टमाटर इसलिए नहीं लिए कि ये सस्ते हो गए, हाँ सस्ते हो गए हैं इसलिए भी लिए हैं, और क्या कहते हैं वो, अब देखो कितने अच्छे टमाटर आए, और जो पहले अभी बीच में आए ना 250 किलो, वो इतने गंदे टमाटर आ रहे थे, बाहर से ही देख के उनको डर लग रहा था कि उसके अंदर कीड़ा ही होगा करके। तो टमाटर और ये रहे राइस अरसा, वाह हमने वहाँ टेस्ट किया, इतना गजब टेस्ट हो रहा था ना इस अरसे का, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मेरे को गढ़वाल में आके बस एक चीज़ पसंद आई है, वो है अरसे, जो कि मुझे मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्वीट्स में हो गया है यहाँ के, मतलब कोटद्वार के और गढ़वाल के ना। देखो सर क्या मस्त, एकदम फ्रेश बन रखे, तो गर्म गर्म से हो रखे हैं, देखिए और टेस्ट, टेस्ट तो इतना अच्छा, हमने अभी टेस्ट किया ना, बहुत अच्छा, मस्त यम्मी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ तन्वी के स्कूल, और वो आ रही है तन्वी के क्लास के बच्चे, मैम लेकर आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं मुझे देखती कि नहीं देखती है तन्वी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही देखो जरा इसे। तो गाइस बस यही कार्यक्रम रह गया है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है कपड़ों को देख के, या तो मन नहीं करता धोने का, ठीक है, और जिस दिन धो दो फिर बारिश होती है तो ऐसा ही होगा, उठाओ लाओ। तो गाइस मैं आ गई स्कूल से तन्वी को लेकर, कहाँ गई, कपड़े चेंज कर रही है खुद ही, मेरा बच्चा तो बहुत स्मार्ट हो गया, खुद ही कपड़े खोलती लाओ, तो सीधे आते किचन में दौड़ लगा दी है, क्योंकि भाई क्या रखा है बताओ, क्या रखा है चॉकलेट, दिखाओ पहले बॉक्स दिखाओ तन्वी, इसे ऊपर निकल, हैंड आपके कट जाएंगे, आपके हैंड कटेंगे इससे, ये बहुत तेज होता है, हाँ किसमिस है ना उसके अंदर रेजिन है ना, पूरा डालो फिर ऐसे हैंड में लगा दो, चॉकलेट तो हैंड में लग जा रही है आधे से ज्यादा, पूरा उसे फेस में, उसे पूरा अंदर कर लो, देखो ऐसे गिरता रहेगा ना पूरा, एक वो जो होता है पूरा एक बार अंदर डाला करो मुंह में, हाँ तो क्या किसमिस अलग करनी है इसमें, चॉकलेट खा लोगे किसमिस अलग,
बुआ को थैंक यू बोलो. थैंक यू बुआ फॉर दिस गिफ्ट. ओके. तो गाइस दिन के बच्चे जो है दो अभी तक तन्वी को काम करा रही थी. ऐसा काम हम कराया मतलब काम कराया नहीं देखा देखा खाली अभी कराया नहीं है कराऊंगी. वैसे होमवर्क तो कुछ नहीं आ रहा लिखने के लिए पर लर्न करने के लिए जो कि याद करा रहा है. और लंच में बन रखे हैं चने और भात. मेरा पेट हो गया फुल किससे अरसे से. एक अरसा खाया डेढ़ दो बोतल पानी पी दी. एक बोतल ये भी इसमें आधा मतलब इतना पिया गले तक पूरा खाना भर चुका. मेरे में बिल्कुल मन नहीं कर रहा. तो थोड़ा सा भात ले रखा है यहाँ पे थोड़ी सी दाल खाती हूँ. मैंने तो यहाँ तक खाया. यहाँ तक खा रखा है ऊपर तक नहीं खाया है. ऊपर तक खासी इतनी जगह बची है. चलो फिर खाओ फिर चलो. तो गाइस करीब 5:30 बजे करीब और अब जल्दी से जा रही हूँ क्योंकि तन्नू ने बोला था कि घर जल्दी आ जाना उसको पढ़ाना है. ठीक है इस वजह से. क्या बोल के गई थी मैं है? क्या बोल के गई थी याद करने को बोल के गई थी हाँ और लिखने को आपने किया. आप यहाँ बाहर खेल रहे हो. किया है तो कोई बात नहीं खेल लो पर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया. भगा दो बुल्ली को भगा दो तो क्यों नहीं किया फिर. मैं आपके चक्कर में जल्दी आई ना आज. आपने बोला था जल्दी आ जाना मैं आ गई देखो 6 बजे. क्यों नहीं किया आपने. तो गाइस जिम से आ गई हूँ मैं और शाम के बजे है अभी रात सॉरी शाम कह रही हूँ रात ये 8 बज चुके हैं. एंड गाइस कल से हम ना बाहर जाने की सोच रहे हैं. मतलब कल मेरी मतलब किरण का तन्वी की बुआ का बर्थडे था तो उन्होंने बोला तन्वी को ट्रीट करा देना. तो हमने सोचा हम भी बाहर खाएंगे बहुत दिन हो गए था. हाँ तो हम कल सोच रहे थे कल बारिश होगी और अभी जैसे ही सोच रहे थे कि रेडी होते इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना गाइस इतनी भयंकर बारिश हो रही है वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है. अब घर की मुर्गी दाल बराबर ठीक है. और यहाँ पे चल दिए तन्वी की पढ़ाई. फिलहाल तो तन्वी किचन में घुस आई. किचन में क्यों घुस के आई. पानी पीना है देती रुको याद हो गया नहीं. तो गाइस अभी जस्ट बारिश रुकी 8:18 हो रहा है ठीक है ना 8:15 हो रहा है बारिश रुकी. फिर हम लोग अभी निकले हैं बाहर ठीक है. तो आज हम नई जगह जा रहे हैं. अमित तो पसंद नहीं करते नई जगह जाना. वो कहते हैं पहले तुम टेस्ट करके आओ ठीक है. उनको तो जो रोज की जगह होती है ना वही जगह अच्छी लगती है. पुरानी जगह अच्छी लगती है. तो दोस्तों आज हम आए हैं स्टार्टअप कैफे ठीक है. तो ये तड़ियाल चौक के पास ही है. यही पे खड़े यही पे खड़े हो पढ़ी नहीं पाएगी बेचारे. आइस पढ़ा था ना आइस. हाँ गुड मेरा बच्चा गुड मेरा बच्चा सब पता उसको. स्ट्रॉबेरी लेमोनेड जल्दी सर्च करो तन्नू. ये देखा तन्नू की खुशी और ओरियो मशीन. ओ माय गॉड तन्नी इट्स टू मच बिग ये तुमसे नहीं पिया जाएगा. पी लो ये हमको पिला दो थोड़ा सा. तो वैसे हम लोग अभी कहीं बाहर आएंगे खाने के लिए और इन दोनों को देखो जरा ये इन लोग का ऐसा कार्यक्रम रहता है जब तक ऑर्डर होता है ना और जब तक ऑर्डर आने में टाइम लगता है तो ये दोनों ऐसे ही देखते रहते हैं. कोई सुनेंगे भी नहीं देखना. हाँ ये देखो बस खोए हुए फोन में शॉर्ट्स हो गए क्या हो गए. पापा तो हमारी खाली खाली देते हैं. तो गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं. हम लोग घर को जा रहे हैं वापस. खाना आना खा लिया ठीक है. एंड अभी देखिए जरा हम लोग कहाँ पहुँचे अरे आप चौक पे ठीक है. और देखो अभी मूवी देखने लोग अभी अभी रात का शो देखने जा रहे हैं. देखो मूवी देखने पुलिस भी जा रही है. पुलिस सोच रही है क्यों घूम रहे हैं ये दो ये लोग बच्चे को लेकर छोटे छोटे बच्चे को लेकर ना. तो इसीलिए हम घर के पास ही आए थे एकदम ताकि हम कहीं दूर ना जाना पड़े ठीक है. एंड गाइस ड्रीम गर्ल 2 भी आने वाली है कल रिलीज हो जाएगी. मेरा मन तो बहुत है पर मेरे साथ कोई नहीं है जाने के लिए मतलब देखने के लिए. आप तो हो तुम्हारा कोई बड़ा नहीं है तन्नू. मैं चाहती हूँ ना कि कोई बड़ा भी मेरे साथ देखे ठीक है. तो मुझे दी. ओके तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी थी कि पैक के बगल में हम अमित निकालेंगे और फिर हम जाएंगे घर को. तो तन्नू ने तो कुछ नहीं तन्नू ने तो कुछ भी नहीं खाया खाली ओरियो शेक पिया. उससे पेट भर गया
चलो पापा को निकाल लो, तो इधर आ जाओ। तो जो आज का डिनर था वो हमारी किरण की तरफ से था, मतलब कि तन्नू की बुआ की तरफ से, क्योंकि उनका कल बर्थडे था, तो उनके उनके तरफ से हमारा डिनर जो पार्टी थी वो उनकी तरफ से थी। पर खिलाना तन्नू को पिज्ज़ा था, पर हमने जानबूझ के नहीं खिलाया, क्योंकि एक तो इसका बड़ी मुश्किल से अभी पेट से ही हुआ है, तो हम लोग सोचे थे खाना ही खाए तो सही है। आज फूफा ने मुझे पिज्जा बोला था, बहुत दिनों में खाना पिज्जा बनाना। क्या हो जाता है? पेट में दर्द हो जाता है ना, इसलिए तन्नू ने खाना खाया। पापा कहाँ चले गए? अच्छा आगे चले गए लेकर गाड़ी, तो उसकी जगह हम ले खिलाएंगे और हेल्दी फ्रूट्स लेकर आएंगे, ठीक है तन्नू आपके लिए, ठीक है। एप्पल एप्पल लेकर आएंगे। कम कम कम